यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, तो चलिए जानते हैं यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान और उससे जुड़ी पांच बड़ी बातें। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी लगभग अंतिम दौर में है, किसी भी वक्त इसकी तारीखों का ऐलान किया सकता है। इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच इस चुनाव को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है, इन खबरों के बारे में जानते हैं विस्तार से और इनके बदलावों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं पांच बड़ी बातें। नंबर एक, उत्तर प्रदेश में निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। 3 जनवरी 2021 तक सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। नंबर दो, मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने कहा है कि 4 से 11 जनवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वहीं यूपी में निर्वाचन आयोग के 12 से 21 जनवरी तक मतदाता सूची तैयार की जाएगी, जिसका अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को होगा। उसी बीच आपको बता दें कि 22 जनवरी के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग में बातचीत शुरू हो गई है। मीडिया में एक और खबर आ रही है, उसके मुताबिक 31 मार्च से पहले पंचायत चुनाव करा लिया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को आदेश भी दे दिया गया है। चलिए जानते हैं अब यूपी पंचायत चुनाव के बदलावों के बारे में। तो आपको बता दें यूपी सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायत चुनाव 31 मार्च 2021 से पहले खत्म हो जाएं, इसलिए योगी सरकार अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है। इस बार योगी सरकार पढ़े लिखे प्रधानों को गांव के विकास की बागडोर सौंपना चाह रही है, इसलिए ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। अब अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष या प्रतिनिधि बन पाना मुश्किल होगा। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय और जिला पंचायत सदस्यों के लिए अलग अलग पदों के लिए 8 कक्षा 8 से लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा तक पास होना जरूरी है। यूपी सरकार इसका अध्ययन कर रही है, शीघ्र ही कैबिनेट में इसे पास करने की योजना बना रही है। इन बदलावों के बारे में पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और सुधार के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी है। शैक्षिक योग्यता एवं 2 बच्चों वाले नियम पर भी विचार हो रहा है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तृतीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मगर इसको लेकर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए सभी विपक्षी पार्टियां इसमें अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूती से लग गई हैं। सभी दल अपने अपने ढंग से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। हालांकि कौन सी पार्टी किस स्तर पर अपने संबल पर चुनाव लड़ेगी अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन एक बात है कि सभी ने अभी पंचायत सदस्यों के चुनाव पर फोकस किया है, क्योंकि ज्यादा निचले स्तर पर ज्यादा दखल देने से गुटबाजी के कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजेतरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब